थोड़ी पनीर की सब्जी बनाई है कविता जी ने, और थोड़ी ये आलू गोभी की सब्जी है देख सकते हैं हम, और ये थोड़ा ये पकौड़े सकौड़े लाया था मैं बाजार से, मैंने कहा थोड़ा पकौड़े ले जाता हूँ, और थोड़ा मैंने कहा 20 रुपये का ढोकला ले जाता हूँ, और थोड़ा थोड़ा पेप्सी है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जैसे कि आप देख सकते हैं एक न्यू वीडियो की शुरुआत हो चुकी है अंत तक, और गाइस जो है कि आज है तो आज 3 फरवरी तो, और बाहर है आज शुक्रवार, और शुक्रवार जो है कि मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ सीधा अपने छत से, और यहाँ पे जो है कि व्यू जो कि बहुत ही बढ़िया आता है क्योंकि नीचे सड़क दिखती है हर जगह, मतलब वातावरण हर जगह बढ़िया होता है, तो मैं यहीं पर वीडियो शूट करता हूँ रोज़। तो गाइस आज मौसम की बात कर दी जाए तो आज जो है कि मौसम भी मतलब हल्की फल्की जो है कि धूप आ चुकी है यहाँ पर, और तो आगे जाके दिखाते हैं आपको कि मौसम कैसा होता है। फाइनली हम भी रेड पट हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं नहा धो के और टोपी लगा रखी है ताकि बाल सेट हो जाए पूरे दिन के लिए, और फाइनली धूप हमारे मुंह पे जो कि चमक रही है बिल्कुल बढ़िया से, और सामने से जो है कि बहुत ही प्यारी और दुर्लभ प्रजाति की धूप जो है कि आ चुकी है निकल चुकी है, और यहाँ से देख सकते हैं पहले जो सूरज है यहाँ पर निकल रहा था यहाँ पर धीरे यहाँ पर निकलता था यहाँ पर, अब धीरे धीरे यहाँ पर आ गए देख सकते हैं, तो इसका जो है कि रूट बदलता रह गया। अब धीरे धीरे जो है कि सूरज जो यहाँ से इधर 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 फिर यहाँ आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो गैस जो है कि अपने देर के भाई चलते हैं बंदा। सो गैस तो अभी जो है कि भाई साहब हम आ चुके हैं घर पे, और देख सकते हैं आपकी टाइम देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है कि अभी 8:00 जो है कि 5 मिनट हो रहे हैं, और हम आ चुके हैं घर पे। तो गाइस आज फटाफट से दिखा देते हैं भैया आपको नाश्ते में क्या बनाया क्या नहीं बनाया, तो बिना देर के दिखा देते हैं भैया आपको। और जो है कि आज नाश्ते में कुछ नहीं, खाली परांठा है, और साथ में जो है कि रात की जो बची हुई बासी सब्जी है वही है आलू की गट्टे की सब्जी, और साथ में चाय है। दूध तो कम था लेकिन जैसे तैसे दूध की थोली खराब के खोदा खाल के बना रखी है, तो देख देते हैं भाई कुछ है। तो गाइस बिना देर किए भाई नाश्ते स्टार्ट करते हैं, तो बने रहे वीडियो में तब तक के लिए जय। सो गाइस फाइनली हमारा नाश्ता पास तो हो चुका है कंप्लीट, और आपसे मिलते हैं अभी 1:30 लंच में, और फिर लंच में क्या बना रखा है क्या नहीं बना रखा है फिर आपको दिखाएंगे। तो गाइस सिर्फ बने रहे वीडियो के साथ में, कहीं मत जाएगा, तब तक के लिए बाय। सो गाइस आप देख सकते हैं भाई साहब मैं लंच करने के लिए आ गया हूँ, और लंच करने के लिए भाई साहब टाइम देख सकते हो भाई 2:30 बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और बिना देर के क्योंकि मैं 10 मिनट के लिए आया हूँ, तो आज बहुत ज़्यादा काम है ऑफिस में, तो 10 मिनट के लिए आया हूँ प्रॉपर से, तो लंच करके चले जाते हैं। तो कविता जी ने बहुत सारे कपड़े धो दिए भाई, सारे कपड़े धो के रखे बस, बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ फटाफट से खाना रख दे मैं पान दम में जुती मुती हाथ भी नहीं धोएंगे आज तो घटो के साथ खेलने के लिए फटाफट से टाइम दिखा देते आपको घर में, अभी ड्राइव हो चुका है और घटो भी देख सकते उठ गए मेरे को भी लोग फटाफट से भाई घटू की मैं जो है खाना लेके आ रही है 10 मिनट के लिए आए हैं फटाफट से, तो घटू देखो कहाँ चल रही है तो गैस फटाफट से हम आ चुके हैं हम लंच करने के लिए, फटाफट से दिखाते थे कि आज खाने में क्या स्पेशली बना रखा है। खाने में देख सकते हैं भाई साहब बिल्कुल डिफरेंट कलर की थाली है, और देख सकते हैं दाल है घर की दाल है बिल्कुल मस्त दाल भात है, घर का कम दिखे तुम दे घर की दाल भात है, इसमें ज़्यादा है इसमें थोड़ी सी सलाद है, कल की जो लस्सी में से बच कल के नहीं थे वो ठीक है जो है, तो कड़ा पे नहीं करनी कोई बात नहीं, घटो भी बात खाए तो घर ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, केवल 10 मिनट है, 10 मिनट है, मैंने केवल 4 मिनट खर्च कर दिया, मेरे पास सिर्फ 7 मिनट है खाने का।
सो गैस वनीला हमारा खाना पीना हो चुका है कंप्लीट। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना खा के भी जेने मतलब दाल भात बना रखा था पेशेंट में बहुत ज़्यादा आगे क्योंकि मैं बाद में और घट्टू भी रोई रोई करा क्योंकि उसने एक भत्तू खाया था और भत्तू खाने के बाद उसको भी मिर्ची लग चुकी है। तो घट्टू कैसे लग रहा है, मिर्ची लग रही ना तेरे को? जबरदस्त और मिर्च वाला तो रो रोई कर रहा है उसको। तो गाइस मिलते हैं फिर आपको शाम को, तो बने रहे वीडियो के साथ में, कहीं मजा आएगा। तब तक 5 hours later सो गाइस जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम आ चुके हैं ड्यूटी से और ड्यूटी से आ चुके हैं ड्यूटी से और जो है कि मतलब ड्यूटी से आने के बाद अभी जो है कि मतलब पहले तो आपको टाइम दिखा देते हैं उसके बाद बात करते हैं गाइस। तो अभी जो है कि टाइम हो चुका है भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हो 9 बज के यहाँ पे 9:30 हो चुके हैं, मतलब 9:20 हो चुके हैं। और हम थोड़ा बाजार उजार गए थे तो सामान वामान लेने का, लेकिन स्वेटर लिए थे तो थोड़ा छोटी हो गई तो बड़ी ठीक रहा है, मतलब बाजार थोड़ा बहुत टाइम लगे। और तो इधर देख सकते हैं घटो मोटो भी तो दबे रहे, थोड़ा सा लेकर रहे हैं, आज नहीं पहना इतना उसको जुला। और जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा थकान से लग रही है गाइस, और तो बिना देर किए फिर मैंने सोचा कि खाना वाना से स्टार्ट कर लेते हैं रोज़ की तरह, तो फिर भैया आपको भी दिखाना जरूरी होता खाना। तो गाइस बिना देर किए फिर फटाफट दिखा देते हैं भैया आज की स्पेशली हमारे जो है कि डिनर में क्या है क्या नहीं है। तो गाइस कुछ आज स्पेशली बना रखा, कभी दिखा देते हैं फटाफट से आपको। तो गाइस देख सकते हैं ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी पनीर की सब्ज़ी बनाई है कविता जी ने। पनीर कहाँ से लिया तू? पनीर है ना, कुछ और तो नहीं? थोड़ा पनीर की सब्ज़ी बना रखी है और थोड़ी ये आलू गोभी की सब्ज़ी है देख सकते हैं हम। और ये थोड़ा ये पकौड़े सकौड़े लाया था मैं बाजार से, मैंने कहा थोड़ा पकौड़े ले जाता हूँ कविता जी के लिए, मिर्च वाला पकौड़ा है चालू का। और थोड़ा मैंने कहा 20 रुपये का ढोकला ले जाता हूँ, तो इसने बोला ढोकला नहीं खाया, मैंने कहा चलो ढोकला खिला दे चटनी और थोड़ा थोड़ा पेप्सी है, तो पेप्सी की बोतल पड़ी थी तो मैंने कहा थोड़ा पेप्सी भी बुला मतलब पी देते हैं, थोड़ा थोड़ा चटनी है उसके साथ के लिए हरी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कलर के हरी चटनी। अरे तेरे कढ़ाई पर नहीं खा रही आज? अब तो तेरे पनीर अलग ले रहे। अच्छा थोड़ा आलू गोभी की सब्जी खा रही और थोड़ा बहुत प्याज रखा हुआ रोटी राटी है। ये गाइस आज का जो है हमारा खाना पीना, तो कुछ मतलब स्पेशली मतलब डिनर होने वाला है आज हमारा, तो मतलब भूख भी काफ़ी लग चुके हैं ना। मैंने भी दिन में कुछ नहीं खाया, दिन में क्यों मैंने खाना नहीं खाया? मैंने भी दिनों खाया था, हाँ थोड़ा सा खाया था मैं, क्योंकि मैं थोड़ा 10 मिनट के लिए आया था, तो मैं जो दिपाजी में मैंने उल्टे सुलटे गप हमारे और फिर चला गया मैं, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है वैसे मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है। और तो गाइस फिर बिना देर किए अपन अपना जो है कि स्वादिष्ट मतलब रात का डिनर करते हैं फटाफट से और देखते हैं कैसे टेस्ट है कैसे नहीं। तो गाइस बने रहे वीडियो में, कहीं मत जाएगा तब तक। सो गाइस तो फाइनली हमारा डिनर हो चुका है कंप्लीट, पेट भी भर गया तो फिर तो खाई है वो अरे ढोकला पोकला पता नहीं क्या क्या खाई जा रहा है। मुझे अच्छा लगता है एक ही बार खाएगी उसको, कल खा ले पकौड़े में सारे चमका गई तो तो खाई जा रही है अभी तो उसको भी काफी रोटी भी खाई है, रोटी भी खाई सुबह और घटू भी देता था पता नहीं क्या खा रहा था, क्या खाया था घटो तो ने तो केक भी खाया, पेस्ट्री खा रहा है, पेस्ट्री खा रहा है, पेस्ट्री खा रहा है, देख लो गाइस समझा लो इसको, बहुत बदमाश हो रहा है दिन भर दिन में, पेस्ट्री भी खा रहा है, ज्यादा मत खिलाए इसको, तो ज्यादा कुछ नहीं खाता बस ऐसे कचर पचर खाता रहता है, तो फिर उसके बाद दूध नहीं पीता, फिर बड़ी मुश्किल से ठूस ठूस के इसको दूध पिलाना पड़ता है, फिर रात को भी नहीं पीता, फिर कल को मेरे साथ रोटी चमका दी थी हाँ मतलब रोटी रोटी खाते रहते बस क्या करें। तो गाइस जो है कि फटाफट से जो है कि इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार अच्छी लगे जरूर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।